वीडियो हम लोग फॉस्फोरस और ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलाज लर्न करने की ट्रिक देखेंगे। तो फिर यहाँ पे ये ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है और ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये पायरो फॉस्फोरस एसिड हो गया, ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ये हाइपो फॉस्फोरस और वैसे ही हाइपो फॉस्फोरिक। तो फिर ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड में ऑर्थो हम लोग देखेंगे एक चीज़ कॉमन रहेगी वो है एच थ्री पी, यहाँ पर भी एच थ्री पी हो जाएगा। पायरो में एच फोर पी टू, एक एक ज़्यादा ऑर्थो से, यहाँ पर भी एच फोर पी टू। हाइपो में दोनों होंगे, अस में हम लोग का ऑर्थो वाला हो जाएगा मतलब एच थ्री पी, और एक में हम लोग का पायरो वाला हो जाएगा मतलब एच फोर पी टू। अब हम लोग ऑक्सीजन की देख लें तो ऑक्सीजन अस में हम लोग का ऑक्सीजन कम रहता है एक से और एक में ज़्यादा रहेगा, तो एच थ्री पी में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएंगे हम लोग के तीन ऑक्सीजन और यहाँ पे हो जाएंगे चार ऑक्सीजन। पायरो में क्या होगा, पायरो में पाँच हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे सात ऑक्सीजन। हाइपो में क्या होगा, हाइपो में दो ऑक्सीजन हो जाएंगे और एक में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में छः ऑक्सीजन हो जाएंगे। बाकी लास्ट वाला बचा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड में एक फॉर्मूला हम लोग का वो है HPO3 का होल N।